इस ऑडियो के लिए मैं बात करने चाह रही यूनिट फोर के चैप्टर नंबर ट्वेल मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जिसमें हम हेडिंग ट्वेल्ल पॉइंट टू इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स एंड हेडिंग ट्वेल्ल पॉइंट टू पॉइंट वन क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे समझेंगे रट्टा मारेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग ट्वेल्व पॉइंट टू इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स सॉल में प्रेजेंट मोस्टली मिनरल्स रूट के जरिए प्लांट में एंटर कर सकते हैं वास्तव में खोजे गए 105 एलिमेंट में से 60 से ज़्यादा एलिमेंट 60 से ज़्यादा एलिमेंट डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं कुछ प्लांट स्पीसीज में सेलेनियम तथा कुछ में गोल्ड एक्मिलेट रहता है कुछ प्लांट जो न्यूक्लियर टेस्ट वाले एरिया के पास ग्रो करते हैं वे रेडियो एक्टिव एस्ट्रॉटियम लेते हैं प्लांट्स में मिनरल की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन टेन टू पावर माइनस एट ग्राम पर एम को भी डिटेक्ट करने की टेक्निक उपलब्ध है क्या सभी डाइवर्स मिनरल एलिमेंट जो प्लांट में पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऊपर दिया गया गोल्ड एंड सेलेनियम प्लांट के लिए आवश्यक हैं हम यह कैसे डिसाइड करें कि प्लांट के लिए कौन इसेंशियल है और कौन नहीं है अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 12.2.1 क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी इसेंशियलिटी के लिए क्राइटेरिया किसी एलिमेंट की इसेंशियलिटी को डिटरमाइन करने के क्राइटेरिया निम्नलिखित हैं नंबर ए प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन के लिए एलिमेंट अति आवश्यक होना चाहिए तथा इस एलिमेंट के अपसेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए अथवा सीड को भी धारण ना कर पाए सेट न कर पाए बी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए तथा इसे किसी अदर एलिमेंट द्वारा रिप्लेस करना संभव नहीं होना चाहिए दूसरे शब्दों में किसी एक एलिमेंट की कमी को किसी अदर एलिमेंट द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है सी एलिमेंट पौधों की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए अब अब क्राइटेरिया के बेस पर केवल कुछ ही एलिमेंट ऐसे पाए गए हैं जो प्लांट की ग्रोथ तथा मेटाबॉलिज्म के लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल होते हैं इन सभी एलिमेंट को क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेस पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मैक्रो न्यूट्रियट एंड माइक्रो न्यूट्रियट्स मैक्रो न्यूट्रियट्स एंड माइक्रो न्यूट्रींट्स अभी इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो न्यूट्रींट्स के बारे में मैक्रो न्यूट्रीट्स मैक्रो न्यूट्रियट्स ये टिश्यू में जनरली लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं टेन मिली मोल किलोग्राम माइनस वन ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रियट के अंतर्गत कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आते हैं इनमें से कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मेनली सी ओ टू एंड एच टू से प्राप्त होते हैं जबकि दूसरे सॉइल से मिनरल न्यूट्रीशन की तरह एब्जॉर्ब किए जाते हैं अभी हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो न्यूट्रियट और ट्रेस एलिमेंट के बारे में माइक्रो न्यूट्रियट और ट्रेस एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रियट और ट्रेस एलिमेंट बहुत कम मात्रा में टेन मिलीमोल किलोग्राम माइनस वन ऑफ ड्राई मैटर से कम आवश्यक होते हैं माइक्रो के अंतर्गत आयरन मैगनीज कॉपर मोली बेडनम जिंक बोरोन क्लोरीन निकल आते हैं ऊपर दिए गए सेवनटीन इसेंशियल एलिमेंट के अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट जैसे कि सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट तथा सेलेनियम हाइय प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं इसेंशियल एलिमेंट को भी उनके डाइवर्स फंक्शन के बेस पर चार ब्रॉड कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है ये कैटेगरीज हैं नंबर वन इसेंशियल एलिमेंट सेल के बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं और इसलिए सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट के कंपोनेंट हैं एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन नंबर टू इसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट में एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के कंपोनेंट हैं एग्जाम्पल क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एंड ए में फॉस्फोरस इसेंशियल एलिमेंट जो एंजाइम को एक्टिवेट या इनहेबिट करते हैं नंबर थ्री इसेंशियल एलिमेंट जो एंजाइम को एक्टिवेट या इनहेबिट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रूबिस्को रूबिलोज बिस्फॉस्पेट कार्बोक्सीस ऑक्सीजनेस तथा फॉस्फोइनोल पायरोबेट कार्बोक्सिलेज दोनों को एक्टिवेटर है ये दोनों एंजाइम फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के क्रिटिकल एंजाइम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के लिए एक्टिवेटर जिंक तथा नाइट्रोजिनेस के लिए मोलीबेडनम है नंबर फोर कुछ इसेंशियल एलिमेंट सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को अल्टर कर सकते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग तथा क्लोजनिंग में पोटेशियम इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के वॉटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में आप मिनरल की सॉल्यूट के रूप में भूमिका याद कर सकते हैं आसान भाषा में इस ऑडियो के